7, 8, 9, 10 काफी ह्यूज कलेक्शन होने वाला है आज का। हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल प्रियंका स्टाइल कॉर्नर में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मीशो ज्वेलरी हॉल पे होने वाली है। ह्यूज ज्वेलरी का कलेक्शन लेके आई हूँ। आई थिंक 11 या 12 ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ एंड साथ ही सुपर दुपर अफोर्डेबल रेंज में है। सारी चीज़ें आपको अंडर 300 में देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में आपको नेकलेस सेट, बैंगल सेट, ईयरिंग, इसके अलावा ब्रेसलेट भी देखने को मिलेगा। एंड मीशो की जो साइट पे पिक लगी है उसमें ये सारी ज्वेलरी बहुत ही ऑसम लुक दे रही हैं। बट क्या एक्चुअली में उतनी खूबसूरत है कि नहीं, ये तो पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी पार्सल की अनबॉक्सिंग नहीं की है। तो सारी की अनबॉक्सिंग आपके सामने ही होगी एंड जो क्वालिटी है, जो कुछ भी होगा, सब कुछ आपको ऑनेस्टली डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि आज की कलेक्शन में मैं आपके लिए क्या क्या लेके आई हूं। रैंडम एक पार्सल उठाया है, चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है एंड इसकी क्वालिटी कैसे निकलती है। पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने करके भेजी है। अब क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं कि क्या निकलने वाली है। तो ये एक एयरिंग निकलने वाली है। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी एयरिंग ऑर्डर की थी, वो है ये। बात की जाए तो जैसा मीशो की साइट पे दिख रहा था एग्जैक्टली वैसी एयरिंग रिसीव हुई है। देखने में तो वैसी ही लग रही है एंड ये मुझे 177 में मिली थी एंड इसमें आपको अदर 7 कलर के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैंने ये वाइट एडी स्टोर में बाई किया है, आपको अदर कलर के भी ऑप्शन मिलेंगे। तो पूरा इसे निकाल के देखते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत इयरिंग है। मतलब जितना मैंने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा ये खूबसूरत इयरिंग निकली है। आप देखिए एग्जैक्टली पूरी डिटेलिंग सब कुछ सेम है, लेंथ, साइज सब कुछ जैसा मीशो की साइट पे दिखाया गया ना वैसा आपको मिलने वाला है। इस तरह से आपको वाइट एडी की डिटेलिंग मिलेगी एंड जर्कन की डिटेलिंग मिलेगी एंड नीचे की साइड आपको इस तरह से ये वाइट पर्ल वाला लटकन मिलेगा। फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छी रखी है। कोई भी सार पेजेस नहीं है, कुछ भी चुभने वाला नहीं है। आप साड़ियों के साथ, लहंगों के साथ, सूट के साथ, किसी के साथ भी स्टाइल करें ना तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। आप क्लिप में देख ही सकते हैं कि ये इयरिंग स्टाइल करने पर कैसा लुक दे रही है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। पूरी डिटेलिंग आप पास से देखिए, साइन देखिए, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई एंड अगर आपको भी पसंद आती है तो हाईली रिकमेंडेड ये इयरिंग है। जल्दी से सेकंड पार्सल ओपन करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा ज्वेलरी है। तो मैं स्लो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी बना रही हूँ। तो इसमें से एक नेकलेस सेट निकला, ये भी देखने में वैसा ही लग रहा है जैसा मीशो की साइट पे पिक लगी थी। पहले पूरा ओपन करते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं। नेकलेस सेट में आपको नेकलेस एंड इयरिंग दोनों रिसीव होने वाली है एंड ये मुझे आई थिंक जस्ट 197 में मिला था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफी सुपर्ब है। ब्रास का मटेरियल है, ऑक्सीडाइज्ड गोल्डन कलर में आपको पेंटेड मिलेगा एंड पूरा इस तरह से क्यूबिक शेप में आपको कुंदन वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। ऑब्वियसली बात है 197 में आपको ओरिजिनल कुंदन वर्क नहीं मिलेगा, बट ऐसे देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि चीप क्वालिटी वाला है। आप देखिए बहुत ही अच्छे से है, बहुत ही अच्छे से फिट किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि निकलने वाला है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है, कोई भी सार पेजेस नहीं है। आपको इसमें थोड़ा सा लीव के शेप में एंड स्क्वायर शेप में दोनों शेप में आप देखिए इस तरह से कुंदन वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। नीचे एक छोटा सा लटकन मिलेगा एंड आपको चैन मिलेगा टाई अप करने के लिए। इसकी इयरिंग की बात करूँ तो इयरिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी क्यूट सी खूबसूरत सी कुंदन वाली आपको इयरिंग मिलेगी। आप इसे ऐसे डेली वियर या कैजुअल वियर के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लिप में देख सकते हैं कि ये नेकलेस सेट स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आप किसी भी पार्टी में, किसी भी वेडिंग फंक्शन में आप इसे अपने लहंगों के साथ, साड़ियों के साथ, सूट के साथ, इनफैक्ट इंडो वेस्टर्न टाइप के आउटफिट के साथ भी स्टाइल करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड इसका जो शेप है एकदम आपके नेक पे अच्छे से बैठ रहा है। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी सुपर्ब लगी। अगर पसंद आता है तो हाईली रिकमेंडेड है ये नेकलेस। चलिए थर्ड पार्सल ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें से क्या निकलने वाला है। वैसे पार्सल देखिए काफ़ी बड़ा है ज्वेलरी के हिसाब से, बट इसमें भी बहुत ही खूबसूरत सा एक मैंने नेकलेस सेट ऑर्डर किया था, टेम्पल ज्वेलरी ऑर्डर की थी, वो निकली है। तो मैं पूरा ओपन करती हूँ। की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसा मीशो की साइट पे दिखा था एग्जैक्टली मुझे लग रहा है ये वैसा ही है। पूरा ओपन करके देखते हैं कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। सेट मुझे 274 में मिला था एंड बहुत ही ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आपको लक्ष्मी जी की डिटेलिंग मिलेगी, एलिफेंट की डिटेलिंग मिलेगी। लक्ष्मी जी का ये टेम्पल नेकलेस सेट है। आजकल ये वाला नेकलेस सेट भी बहुत ही ज़्यादा वायरल है, साड़ियों के साथ बहुत ही, मतलब किसी भी पार्टी में स्टाइल करने पे ना एकदम रॉयल एंड रिच वाला लुक देता है।
मैं आपको नेकलेस निकाल के पास से दिखाती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ऑक्सीडाइज गोल्डन कलर में है, आप देखिए इस तरह से ऑक्सीडाइज गोल्डन कलर में है। ब्रास का मटेरियल यूज किया गया है। फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रखी है, कुछ भी इसमें चुभने वाला तो नहीं लग रहा है मुझे। एंड लेंथ भी देखिए काफ़ी बड़ी है, पीछे की साइड आपको ये डोरी मिलेगी जो एडजस्टेबल है। इस नेकलेस की लेंथ भी देखिए काफ़ी बड़ी है। इसमें आपको गोल्डन कह रही हूँ, मरून एंड रेड कलर में इस तरह से ये स्टोन की भी बीड्स की भी डिटेलिंग मिलेगी। आप देखिए रेड एंड मरून कलर का पूरा इन्होंने बीड्स लगाया है, एलिफेंट की भी डिटेलिंग दी है। पास से इसकी आपको एक एक डिटेलिंग दिखा रही है, इस तरह से एलिफेंट बनाया, फिर इन्होंने लक्ष्मी माता का फोटो बनाया है। इन्होंने एलिफेंट या लक्ष्मी माता का फोटो बनाया ना, उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी रखी है, बहुत ही अच्छे से मतलब चीजें उभर के आ रही है तो क्लियरली पता चल रहा है। आपको एक बड़ा सा इस तरह से पेंडेंट मिलेगा, इसमें भी आप देखिए पूरा लक्ष्मी माता का फोटो बना हुआ है कमर पे बैठे हुए, बहुत ही अच्छे से कलाकारी की गई है, पूरी मतलब फिनिशिंग काफी अच्छी रखी है, देखने पे एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि लक्ष्मी माता बनी है। आप देखिए पूरा उभरा हुआ ये डिटेलिंग है, एंड नीचे इस साइड से आपको पर्ल की डिटेलिंग मिलेगी। ट्रस्ट मी गाइस, सॉरी मेरे थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। ट्रस्ट मी गाइस, इसकी क्वालिटी सुपर सुपर मतलब बहुत ही अच्छी है। मैं इसे आपको अभी स्टाइल करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा निकल के आने वाला है, क्योंकि मुझे तो मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं इसे बिना पहने रह ही नहीं सकती हूँ। आप देखिए इसकी लेंथ को वैसे आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साड़ियों के साथ तो मस्ट मस्ट मतलब बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी इयररिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से छोटी सी लक्ष्मी माता की आपको इयररिंग मिलेगी। आप देखिए एंड इस तरह से पर्ल की डिटेलिंग, तो इयररिंग भी मुझे लगता है स्टाइल करने पर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये पूरा नेकलेस सेट स्टाइल करने पर कैसा लुक दे रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में साड़ियों के साथ, सूट के साथ, लहंगों के साथ स्टाइल कीजिए, बहुत ही रॉयल एंड रिच लुक देगा। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है एंड आज तरह इस तरह के टेम्पल ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा वायरल है, तो पसंद आता है तो हाईली रिकमेंडेड। इसे नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबी ना बने, शॉर्ट लेंथ में ही बने, बट पता नहीं कैसे मुझसे वीडियो लंबी बन जाती है। तो इसमें से भी एक बहुत ही खूबसूरत सी इयररिंग निकलने वाली है, झुमका इयररिंग, एंड ये भी देखने में वैसी ही लग रही है जैसा मैंने ऑर्डर किया था। एंड इसकी प्राइस अगर मैं बता दूँ आपको, मैंने सबकी प्राइस एग्जैक्टली लिखी है, तो ये मुझे 185 में लिखा था। तो मोस्टली ज्वेलरी आपने नोटिस की होगी कि आज के कलेक्शन में अंडर 200 की है, एक दो ज्वेलरी की प्राइस 200 से 300 के बीच में, बाकी सारे अंडर 200 में मिलेगा। एंड इसका जो वेट है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड ये इयररिंग है, एकदम हवा में वेट है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है जो मीशो की साइट पे पिक लगी थी उसमें ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कलर में दिख रहा था, बट जो रिसीव हुआ है ये उतना ऑक्सीडाइज कलर में नहीं है, थोड़ा सा ये सिल्वर टच लिए हुए हैं। आप देखिए ऊपर का जो कलर है वो एकदम ऑक्सीडाइज आपको मिलेगा, बट नीचे का जो कलर है वो थोड़ा सा आपको सिल्वर टच में मिलेगा, बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से आपको ये स्टोड मिलेगा जिसमें इस तरह से ग्रीन स्टोन एंड वाइट बीड्स लगे हुए हैं। देन ये झुमका वाला, झुमके पे आप देखिए इस तरह से आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी, एंड नीचे इस तरह से पर्ल का लटकन मिलेगा। साइज भी आप देखिए काफ़ी बड़ी नहीं है, तो इस इयररिंग को ना आप दिन भर कैरी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड साइज भी काफ़ी हल्की है। एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है, कुछ भी चुभने वाला नहीं है। आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये झुमका भी स्टाइल करने पर कैसा लुक दे रहा है। आप इसे साड़ियों के साथ, लहंगों के साथ, सूट के साथ, इंडो वेस्टर्न आउटफिट किसी के साथ, इनफैक्ट जींस के साथ भी स्टाइल करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। इसे आप पार्टी के लिए एज वेल किसी भी फेस्टिवल में या कैजुअल वियर के लिए भी कंसीडर कर सकती हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगेन टोटली वर्थ इट लगा, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा, पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। क्या निकलता है, इयररिंग निकलती है कि ब्रेसलेट निकलता है कि और क्या, मैंने ऑर्डर किया था कि ज्वेलरी का सेट निकलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है। इस बॉक्स को ओपन करते हैं, आपको एक और बॉक्स मिलेगा, एंड ये आई थिंक नेकलेस का सेट होने वाला है। ये भी जो मीशो की साइट पे पिक लगी थी उसमें हिना खान ने इस नेकलेस सेट को पहना था, एंड उसमें ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब देखते हैं एक्चुअली में वैसा रिसीव हुआ है कि नहीं। एंड इसकी प्राइस मैं अगर आपको बता दूँ तो ये मुझे 253 में मिला था। चोकर है, चोकर एंड आपको इयररिंग मिलने वाली है। एंड फर्स्ट लुक की बात की जाए तो ट्रस्ट मी गाइस, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। स्पेशली इसमें जो वाइट पर्ल यूज किया गया है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी सी उसमें साइन आ रही है। इस तरह से आपको ये कुंदन वर्क का शेप में आपको एक पेंडेंट मिलेगा, इसमें चारों साइड आप देखिए वाइट एडी की डिटेलिंग है, एंड इस तरह से आपको कई लेयर में छोटे छोटे वाइट पर्ल के
ये मिलेंगे, क्या कहते हैं, मतलब दोनों साइड में इस तरह से आपको कई लेयर में ये वाइट पर्ल के थ्रेड मिलेंगे। अब देखिए कई सारे लेयर हैं एंड पीछे की साइड आपको डोरी मिलेगी जो एडजस्टेबल है। फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है एंड स्पेशली ये इन्होंने जो वाइट पर्ल यूज़ किया है बहुत ही छोटे छोटे, इसमें मतलब बहुत ही अच्छी साइन है, एकदम ओरिजिनल वाला जो पर्ल होता है ना उस तरह ये है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। इसके साथ आपको जिस तरह से इन्होंने बीच में पेंडेंट लगाया है कुंदन का, सेम वही आपको इयररिंग रिसीव होने वाला है इस तरह से कुंदन वर्क का, चारों साइड में एडी की डिटेलिंग। इसकी भी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने जितना उम्मीद किया था उससे भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये रिसीव हुआ है। आप देखिए, आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये पूरा चोकर का सेट स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, साड़ियों के साथ, लहंगों के साथ, सूट के साथ, सबके साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। आप एक बार आइडिया लीजिए, आप चाहे तो पूरा सेट एक साथ स्टाइल कर सकते हैं या नेकलेस को अलग से वियर कर सकते हैं एंड इयररिंग की साइज भी बहुत ही बड़ी नहीं है तो आप इसे डेली या कैजुअल वियर के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये टोटली वर्थ इट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है एंड स्टाइल करने पर भी काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा, तो पसंद आता है तो ये नेकलेस सेट भी मस्ट बाई ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। इसके अंदर से भी एक और बॉक्स निकला है एंड इस बॉक्स में से क्या निकलने वाला है एंड वो देखना पड़ेगा, बट ये बॉक्स शायद टूट गया है। आप देखिए ये बॉक्स यहाँ से टूट गया है पूरा, कोई नहीं, ज्वेलरी अगर सही निकली तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसमें से एक इयररिंग निकलने वाली है जो देखने में एकदम जैसा मीशो की साइट पर पिक लगी थी वैसी ही है, मल्टीपल कलर में, बट मीशो की साइट में जो डिटेलिंग दी है ना उसमें लिखा था कि ये गोल्ड प्लेटेड यानी गोल्डन कलर में होगी, बट जो पिक लगी थी उसमें ये सिल्वर कलर में ही था तो ये सिल्वर कलर में रिसीव हुआ एंड ये आई थिंक मुझे 163 में मिला था। इस तरह से आपको ये चांद वाली इयररिंग मिलेगी। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत है, कई सारे कलर में है तो फेस्टिवल में स्पेशली होली में भी स्टाइल करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। इस तरह से पूरा आपको इसमें मीनाकारी वर्क, कुंदन एंड एडी की डिटेलिंग मिलेगी। मैं एक इयररिंग आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए पूरा मीनाकारी वर्क है, कुंदन वर्क, एडी की डिटेलिंग, नीचे की साइड आपको पर्ल के लटकन मिलेंगे कई कलर में स्पेशली ना, तो कई तरह के मतलब आपके आउटफिट के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाएगा, कुर्तियों के साथ तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। मैं आपको एक इयररिंग निकाल के दिखा, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, दिन भर आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, कोई भी शार्प एजेस नहीं है तो कुछ भी चुभने वाला नहीं है। आप क्लिप में देख ही सकते हैं कि स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रहा है, तो इस इयररिंग को आप पार्टी में, फेस्टिवल में, मतलब ऐसे कैजुअल वियर के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। होली आ रहा है तो होली में भी आप इस इयररिंग को स्टाइल कर सकती हैं, सूट के साथ, साड़ियों के साथ, लहंगों के साथ, सबके साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये इयररिंग का सेट काफ़ी अच्छा लगा, लुक भी आप देख सकते हैं मल्टीपल कलर में तो बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा। तो कोई आप अफोर्डेबल रेंज में स्पेशली होली के लिए इयररिंग लेना चाहती हैं ना, होली फेस्टिवल के लिए, तो उसके लिए मस्ट बाई ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट पार्सल में से क्या निकलता है, इसकी भी पैकिंग इन्होंने काफ़ी अच्छे करके भेजी है। तो ये अगेन एक नेकलेस का सेट होने वाला है, जो मैंने जैसा ऑर्डर किया था वैसे ही निकला, क्योंकि इसमें आपको कई कलर के ऑप्शन मिलेंगे, आई थिंक 6 या 7 कलर के ऑप्शन है एंड ये मुझे मिला था 202 में, तो 200 के अप्रॉक्स मिला था। मैंने इसे वाइट एंड रानी कलर के कॉम्बिनेशन में बाई किया है, तो इसमें पूरा आपको प्रॉपर सेट मिलने वाला है, मतलब मांग टीका भी मिलेगा, इयररिंग भी मिलेगी एंड नेकलेस भी मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले नेकलेस दिखाती हूँ, ये देखिए वाइट एंड रानी कलर का पूरा एडी की डिटेलिंग है। तो इसमें जो आपको अदर कलर के ऑप्शन मिलेंगे ना उसमें ये जो रानी वाला कलर का स्टोन है ये बस चेंज होगा, व्हाइट वाला तो सेम रहेगा, बस रानी आई थिंक ग्रीन में है, येल्लो में है, ब्लू में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, साइन भी काफ़ी अच्छी है पूरा, आप देखिए वाइट एडी एंड रानी की डिटेलिंग है, इस तरह से पूरा पैटर्न बनाया लीफ वाला, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा मुझे लगता है स्टाइल करने पे एंड मुझे लगता है कुछ भी चुभने वाला नहीं है। बस एक चीज़ का मुझे डाउट है कि आपके नेक पे अच्छे से बैठेगा कि नहीं, तो वो मैं भी स्टाइल करके आपको बता दूंगी। पीछे की साइड आपको इस तरह की सिल्वर चैन मिलेगी टाई अप करने के लिए। इस तरह से आपको इसमें बड़ा सा ये टैसल इयररिंग मिलेगा, आप देखिए इसमें भी पूरा वाइट एंड रानी कलर की एडी की डिटेलिंग है, स्टोन की डिटेलिंग है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, कुछ भी गिरने वाला नहीं है, साइन देखिए काफ़ी अच्छी है। इस तरह से आपको इसमें मांग टीका मिलेगा, ये देखिए ये मांग टीका है, इसकी भी क्वालिटी मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी, मांग टीका स्टाइल करने पे
मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि कैसा लुक देगा। मांगटी का स्टाइल करने पे काफ़ी खूबसूरत लगेगा। एंड नेकलेस भी मुझे लगता है प्रॉपर आपके नेक पे पूरे अच्छे से बैठेगा, क्योंकि ये इजिली फोल्ड हो जा रहा है। वैसे आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये पूरा सेट स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रहा है। तो ट्रस्ट मी गाइस, प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। 200 में आपको नेकलेस, इयररिंग, मांगटीका सब कुछ रिसीव हो रहा है। एंड डिटेलिंग भी आप देखिए काफ़ी खूबसूरत है। किसी भी पार्टी में आप इसे इजीली स्टाइल करेंगे, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये पूरा सेट 200 रुपए में। क्वालिटी, डिटेलिंग, फिनिशिंग सब कुछ बहुत ही अच्छी है। ये साइन भी आप देखिए काफ़ी अच्छी है। इयररिंग भी आप देखिए काफ़ी बड़े साइज में है। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है ये पूरा नेकलेस का सेट। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आता है। तो अगेन ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप किसी और कलर में लेना चाहते हैं अपने ड्रेस से मैचिंग कलर में, तो उस कलर के भी आई थिंक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि 7 to 9 कलर के ऑप्शन है। तो आप अपने मनपसंद कलर चूज कर सकते हैं। तो पसंद आता है तो अगेन ये मस्ट बाई ऑप्शन है। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी इयररिंग दिखाने वाली हूँ, बोहो पर्ल इयररिंग। ये देखिए पर्ल वाली इयररिंग है, बट साइज देखिए काफी बड़ी है। एंड जो ये पर्ल यूज किया है ना, एकदम ओरिजिनल वाला पर्ल है। साइन काफी अच्छी है, इतनी अच्छी साइन है कि इसमें आप अपना फेस देख लेंगे। हल्का सा क्रीमिश कलर में है। एंड इसकी जो साइज है ना वो 25 mm है, तो बहुत ही बिग साइज में है। इसे ऑलरेडी मैंने, मतलब ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, आई थिंक 1 month हो गया है, 2 to 3 बार स्टाइल कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। साइन देखिए पर्ल की, एंड बहुत, मतलब जिस हिसाब से इसका वेट है उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। दिन भर आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये आपके इंडियन एज वेल एज इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न हर आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। गाउन के साथ भी बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। ये थोड़ा सा हाई रेंज में है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज में नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। मुझे 240 में मिला था, बट ट्रस्ट मी गाइस, कुछ लोगों को लगेगा सिंपल सी स्टड इयररिंग है बहुत ही हाई रेंज में, बट ट्रस्ट मी गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपको पसंद आता है ना तो आँख बंद करके आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये इयररिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, स्टाइल करने पर बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। मैं आपको एक ब्रेसलेट दिखाने वाली हूँ जो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल है। ये ज्वेल गैलेक्सी ब्रांड का होने वाला है। ये भी आई थिंक मुझे 240 या 250 में कुछ ऐसे मिला था, नहीं सॉरी ये मुझे 180 में ही मिला था। इस तरह से गोल्डन कलर में मैंने बाय किया, बट आई थिंक इसमें आपको एक रोज गोल्ड कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये इस तरह का पूरा ब्रेसलेट है। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरा रोमन नंबर की डिटेलिंग है। इस तरह से पूरा रोमन नंबर की इसमें डिटेलिंग मिलेगी। एंड बीच बीच में छोटे छोटे व्हाइट स्टोन भी लगे हैं आप देखिए। एंड इस तरह से ये चैन देखिए, इन्होंने एक हार्ट लटकाया है। ये यहाँ से ओपन भी हो जाएगा, बहुत ईजिली ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कुछ भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एंड स्टाइल करने पे ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आजकल इस तरह का ब्रेसलेट मतलब बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। अब देखिए स्टाइल करने पे कुछ इस तरह से लुक देगा। वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इनफैक्ट इंडियन आउटफिट के साथ भी बहुत ही अच्छे से जाएगा। आप इसे पार्टी में भी स्टाइल कर सकती हैं या कैजुअल वियर के लिए भी कंसिडर कर सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो मटेरियल यूज किया है ब्रास का वो भी काफ़ी अच्छा है। गोल्डन फिनिश में है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही चमकीला वाला गोल्डन कलर है। आप देखिए बहुत ही अच्छे कलर में है, क्योंकि अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है ना तब भी आप इस ब्रेसलेट को कंसिडर कर सकती हैं, क्योंकि इसका जो गोल्डन कलर है ना बहुत ही सटल है और बहुत ही, मतलब स्टाइल करने पे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है, पसंद आता है तो हाईली रिकमेंडेड है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक चांद इयररिंग दिखाने वाली हूँ। ये मुझे आई थिंक 156 में मिला था, इसी का प्रॉक्स कुछ मिला था। कलर के ऑप्शन मिलेंगे अगेन। मैंने इसे रानी या आप कह सकते हल्का सा मरून टिंट लिए हुए भी है, इस तरह से बाय किया है। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत इयररिंग है अगेन। ये देखिए इस तरह से छोटा सा आपको लीफ के शेप में स्टड मिलेगा, देन इस तरह से आपको ये चांद वाले शेप में इयररिंग मिलेगी। पूरा इसमें कुंदन वर्क एंड एडी वर्क की डिटेलिंग है। नीचे की साइड आपको व्हाइट पर्ल की भी डिटेलिंग मिलेगी। गोल्डन प्लेटेड है ये, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, कोई भी शार्प एजेस नहीं है। एंड बहुत ही ज़्यादा नहीं, बट हाँ अच्छा खासा लाइट वेटेड है। आप इजीली इसे दिन भर स्टाइल कर सकती हैं। इसे भी आप पार्टी में या किसी भी फेस्टिवल में स्टाइल कर सकती हैं, सूट के साथ, कुर्तियों के साथ, साड़ियों के साथ, सबके साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये टोटली वर्थ इट है, पसंद आता है तो हाईली रिकमेंडेड से है। लास्ट में आपको ये बैंगल का सेट दिखाने वाली हूँ। इसे भी आई थिंक मैंने अंडर 200 में बाय किया था। तीन तीन का सेट है, मतलब एक हाथ में आपको 3 कड़े का सेट मिलेगा, एक हाथ में आपको 3 के कड़े का सेट मिलेगा। बीच वाला जो कड़ा है वो थोड़ा सा मोटे विथ का है एंड साइड वाले पतले हैं। तो इसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे आप देख सकते हैं व्हाइट, ग्रीन, येलो कलर के बीड्स लगे हुए हैं। पूरा ग्लिटर की डिटेलिंग है,
लुक वाइज तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप इसे कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, सिर्फ इन कड़ों को स्टाइल कर सकते हैं, या इसके आगे पीछे चूड़ियां लगा के एक अलग से बैंगल का सेट बना सकते हैं, या सिर्फ एक कड़े को स्टाइल कर सकते हैं, तीनों को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है ना कि इसमें जो ग्लिटर लगा है वो हल्का सा रब करने पे निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा निकलेगा एंड आप हैंड एकदम चमचम करने लगेगा, वैसा वाला भी नहीं है, बट हाँ हल्का सा रब करने पे निकल रहा है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगा। आप इसे फेस्टिवल में भी स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कलर है ना काफी बोल्ड है एंड एकदम फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है, तो आप इसे फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते हैं या किसी भी पार्टी में अपने लहंगों के साथ, साड़ियों के साथ, सूट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो बैंगल का सेट है मुझे काफी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रहा है, तो पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए। एंड ये था मेरा आज का मीशो ज्वेलरी हॉल। आई होप आपको आज का मेरा कलेक्शन पसंद आया होगा क्योंकि काफी अफोर्डेबल रेंज में काफी अच्छी अच्छी ज्वेलरी मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।